अभी तो हम लोग निकले हैं वापस, बोट हाउस को छोड़ दिया है, चेकआउट कर लिया वहाँ से। वहाँ से निकले हम लोग टेकड़ी के लिए बाय रोड ये, और अभी वहाँ पे जाके होटल में चेक इन करेंगे, उसके बाद में साइट सीइंग के लिए जाएंगे। तो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, अभी आज का दिन नया शुरू करते हैं हम लोग। ऑन द वे आए, बहुत भूख लगी थी, भले इडली खा के निकले थे सुबह में, डोसा खाने के लिए रुके, डोसा साउथ इंडिया का फेमस डोसा, ऐसा डोसा आया है। हम तो टूट पड़े, वीडियो लेना भी भूल गए थे, इतनी भूख लगी थी। तो बहुत सारी चटनी है इसके अंदर, मसाला डोसा है, इसको बोलते हैं घी रोस्ट। अपने आप डोसा टाइप आता, डोसा ये था, खा गए हम लोग, अभी घी रोस्ट मंगाया है, तो करंसी है, बहुत मजा आने वाला है। ये रबर प्लांट, रबर ट्री है ये, इसमें ना ये नीचे जो दिख रहा है पॉट, उसमें ये यहाँ पे कट मारते हैं, उसमें से रबर निकल के इसमें कलेक्ट करते हैं और बाद में फैक्ट्रीज को देते हैं। ये पूरा लबर रबर प्लांटेशन है, पाइनएप्पल प्लांटेशन, देखो पूरा पाइनएप्पल, जैसे वहाँ पे ट्री गार्डन्स थे, यहाँ पे पाइनएप्पल। वापस नेचर की वादियों में आ गए हम लोग, कितना खूबसूरत है, क्या दिख रहा, क्या व्यू है यार, ओहो आ गया आ गया, इतना बड़ा वाटरफॉल है, सेम कल देखा था वैसा ये दूसरा ही। हम लोग वहाँ पे रास्ते में आ रहे थे तो बहुत बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ पे रुक गए एक बार देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही है मेरे पीछे, आप देखो अगर, तो यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ है, टूरिस्ट भी आए हुए हैं, गाड़ियाँ सब खड़ी हुई है, देखो यहाँ कितना मस्त है। हम लोग हमारे होटल पे पहुंच गए हैं, पूरा ऐसा हम लोग अभी टेकड़ी में आए ना, टेकड़ी एलपी पूरा पानी है ना, हाँ एलपी में पूरा पानी है, उधर उधर पानी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है हम लोग को किसी गोवा में घूम रहे हो ना, ऐसा प्लीजेंट वेदर पूरा लग रहा है। और अभी तो चेक इन कर लिया और जा रहे हैं एलिफेंट कैंप फर्स्ट, उसके बाद में आगे का बहुत से दो चार प्लानिंग है, और नाइट में खाना खाएंगे सीधा रूम पे। यहाँ पे एंट्री कर लिया हम लोग ने, अंदर आए, यहाँ पे वेल ये ऐसा रिसेप्शन और सब है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, टिम्बर ग्राउंड, बाथिंग पूल, कॉफी हाउस, बहुत सी चीजें हैं। ऐसे अंदर एंट्री कर, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, इलायची फॉर्म, ये इलायची का फॉर्म है पूरा अंदर बना हुआ, एलिफेंट्स है वहाँ पे, यहाँ पे रिसेप्शन और ये सब चीजें, और ये शिबू है जो तेते कर रहा है मेरे साथ, यहाँ पे लोग ऐसे घूमते हैं, एते एते कहते एते, ऐसे रिसेप्शन बना हुआ है यहाँ पे। ये मैंने अभी एलिफेंट राइड का सिर्फ निकाला, बहुत सारे इनके पास पैकेजेस हैं मगर मैंने ये निकाला, उसमें 3% हम लोग 500 के ईच के हिसाब से हैं, 1500 फीडिंग करेंगे एलिफेंट को, खाना खिलाएंगे, तो 1700 रुपया हमारा। खाना खिलाएंगे हम लोग, अभी राइड किया, जिम फूड। ये एलिफेंट का सर है, ये हम हैं, हमारे ड्राइवर साहब है, ये इनकी गाड़ी में हम लोग घूम रहे हैं, और अभी नीलम और लोग उतर गए ना नीचे, वो शिबू ने बहुत चिल्लाया तो नीलम नीचे उतर गए, तो मैंने बोला आप ही बैठ जाओ, हम लोग दोनों राइड करके आएंगे, बातें करेंगे, क्योंकि मुझे कंपनी चाहिए, हाफ एन आवर क्या करूंगा मैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए। ये एलिफेंट की राइड कर रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ कैसा व्यू दिख रहा है ऊपर से, ये देखो जैसे बैठा है तो कैसे मूव करता है, देखो ये इतना बड़ा सर है उसका, ऐसे दिखता ऊपर बैठे हैं तो, क्या है, हमने पूरी राइड नहीं की, हाफ राइड में वापस ले गए, इनको परेशान करना सही नहीं है, इनको फीड करेंगे और फिर चले जाएंगे यहाँ से। आप माउथ में पीरियड चढ़ता अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से,
बहुत मजा आया इन लोग के साथ में, दे आर वेरी पोलाइट. डू यू हैव एनी इंस्टाग्राम पेज और डू यू हैव एनी इंस्टाग्राम पेज और गूगल गूगल लिस्टिंग गूगल प्लेस लिस्टिंग? आई विल राइट अ रिव्यू अबाउट इट. थैंक यू. इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस. हमने जो भी पे किया 1700 पे किया या जो भी किया, सर की मेहरबानी. वहाँ पे यहाँ पे लाए ना, इतने पोलाइट लोग और इतने अच्छे लोग. हमारा पूरा 1700 रुपया वसूल है, कुछ पैसों का नहीं सोचते. अगर उस जगह पे सर्विस के बारे में देखे तो 1,00,000 रुपए की सर्विस है. इतने फोटोज, इतने वीडियोज, और मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना मजा आया यार. मैं तो ये रह गया कि यार इतने पोलाइट, और चीज फोटो खुद बोल बोल के खिंचवा रहे हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे आप ही खड़े हो जाओ. बार बार हमने फीडिंग भी किया एलिफेंट को, बनाना खिलाया, हाथ से मैंने मुंह में डाल दिया था. इसकी टंग कैसी लग रही थी. बहुत मजा आया मगर यार, इंजॉय. ऐसे कई चीज मिस नहीं करनी चाहिए. आप अगर कभी भी टेकड़ी में आओ, केरला में आओ, तो ये डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए. यहाँ पे ये हम लोग रोज पार्क है, वहाँ पे आए. इतनी एक्टिविटीज है, बहुत मजा आने वाला है. यहाँ पे हम लोग ने एंट्री दी है, वीवी की नहीं हुई है, मेरी और नीलम की हुई है. यहाँ बहुत सारी चीजें हैं अंदर. वीवी और हम दोनों जा रहे हैं, शिबू रो रहा है तो शिबू को नीलम सुला रही है. हम लोग यहाँ जाएंगे, देखो ऐसा द बोट. वीवी इज गोइंग फॉर बोटिंग, राइट? पता, बाय 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 वीवी. ऐसे घुमाने का, दोनों घुमा उल्टा. दोनों एक साथ घुमा, सामने ही. अब सामने घुमा दोनों, पीछे तो जाएगी, पीछे जाएगा. हाँ ऐसे. हाय, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ही डरावना स्टंट कर रहे हैं. देखिए भाई साहब, आदमी फेल. अब ये देखो, ये हमारी मैडम सर यहाँ पे. ओके, दैट्स वेरी नाइस. देखो आज करेगा, आज सुपर. कुछ नहीं होगा, वो बाधा हुआ है. ऐसे करना तू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. वीवी बाधा हुआ है, हाँ, डोंट वरी. ये हो गया वीवी का जिप लाइन पूरा. बहुत मजा आया उसका, शायद पूछता हूँ कैसा लगा वीवी. थोड़ा थोड़ा डर लगा होगा ना, थोड़ा थोड़ा. हाँ अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लगा होगा ना. हाँ ऐसा गुदगुदी टाइप. हाँ फिर सोचा कि कुछ नहीं, बाधा हुआ है, क्या होगा ऐसा सोचा ना तूने. कुछ नहीं होता है, मजा आता ना. अब फिर करना है. यहाँ पे आए थे हम लोग रोज पार्क. हम लोग यहाँ पे आए अभी, यो था ऐसा यहाँ पे पार्किंग बना हुआ पूरा. ये और यहाँ पे शो, यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं. यहाँ पे लोग जा रहे, देखते टिकट कहाँ से निकलना है. ये भी टिकट ले लिया है, 400 रुपीज पे. ऐसे सब बहुत सारे होटल. देखो खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे हम लोग.
चारों तरफ होटल्स। बाबा जी मंगाया था इतना खाली है, नीलम बुरा खा गई और आलू पराठा मंगाया तो भाई लोग हम लोग अभी होटल में वापस आए, सब कपड़े चेंज किए और सब ने अभी कल सुबह में जल्दी निकलना है। एक्चुअली हमें निकलना है 5:30 बजे, 6:30 बजे के पहले पहले निकल जाना है, बहुत सी चीज़ें कवर करनी है। और यहाँ से हम लोग आगे फिर और जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग आज का रिव्यू बता देते हैं आपको, हमें बहुत मज़ा आया। हमें तो मुन्नार के कंपेरिजन में सेम मुन्नार जितना मज़ा आया था उतना हमें टेकरडी में मज़ा आया। बीच में एलएपी में हमें बोट हाउस में ठीक है, डे में मुझे अच्छा लगा, नाइट में ठीक है, मतलब अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो बहुत फर्स्ट टाइम है, हर कोई को बोट हाउस में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, मगर और यहाँ पे टेकरडी में तो गोवा, अपना गोवा जो है ना वो ही है एक तरह से, सेम गोवा टाइप फीलिंग है। हम लोग गए रोज़ हाउस जो फ्लावर गार्डन जो था वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। वहाँ पे तो वीवी बहुत, हाँ वीवी तो बहुत खुश हो गई वहाँ पे जाके। और हम लोग अभी मार्शल आर्ट जो देखने के लिए गए थे उसका मैं पूरा एक अलग से, मतलब थोड़ी क्लिप डाल के बाद में एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक घंटे का था और मैंने पूरा शूट किया। हाथी वाला एलिफेंट, हाँ तो एलिफेंट राइड में तो वो तो मस्ट, मतलब सबसे पहले किया था हमने, मगर मान गए यार जो पैसा दिया ना पूरा वर्थ है। तो यही आप जब भी अगर केरला आओ तो आप यहाँ पे टेकरडी में ये एलिफेंट वाला, रोज गार्डन वाला, रोज पार्क जो बोलते हैं, और हाँ दो दिन रखो टेकरडी का, दो दिन रखो, एक दिन हमने रखा है वो कम है हमारे लिए, अब दो दिन रखो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहाँ पे दो क्या एक हफ्ता भी रुकोगे ना तो आपको घर की याद नहीं आएगी, इतनी अच्छी जगह है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वहाँ पे टिकट्स भी आपको बता दी है। एलिफेंट वाले में 1700 रुपया दिया था, या पे जो 200 रुपया दिया था मैंने, शो देखा मार्शल आर्ट का देखा, उसमें फायर वाला वर्क, बाप रे जो शो किया उन्होंने फायर वर्क का, वो मतलब जो फायर शो जो उन्होंने किया मैं तो मान गया यार, इतना अच्छा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो इसलिए मैंने पूरा पूरा व्लॉग बनाया बाद में कि उसको एक अलग से अपलोड कर दूंगा करके। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।